रीवा में महंत सीताराम की रासलीला गुरु की कथा आयोजन की तैयारी में आए महंत पर नाबालिग से रेप का आरोप। रेस्ट हाउस में वीआईपी गेस्ट बनकर पहुंचे महंत ने रचाई रासलीला। रीवा के नामी हिस्ट्री सीटर से महंत का बड़ा कनेक्शन आया सामने। बिगड़े नाम बनाने के नाम पर हिस्ट्री सीटर ने लड़की को पहुंचाया महंत के पास। रेस्ट हाउस में महंत ने पहले की शराब पार्टी, फिर लड़की को बनाया हवस का शिकार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ हाजिर हूं मैं आया। दोस्तों आज की यह खबर बेहद ही शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे महंत की काली करतूतों पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के सामने तो सबको मोह माया से दूर रहने की सीख देते हैं, लेकिन चार दीवारी के भीतर खुद मोह माया में आकर महंत से शैतान बन जाते हैं। दरअसल खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां श्रीराम जन्मभूमि न्यास के पूर्व सदस्य व पूर्व सांसद रामविलास वेदांती के शिष्य सीताराम पर 16 साल की नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। रीवा में नाबालिग से रेप की यह घटना शहर के सबसे पॉश इलाके सर्किट हाउस में हुई। घटना है 28 मार्च की शाम की, जहां सर्किट हाउस में ठहरे महंत के पास एक हिस्ट्री सीटर लड़की लेकर पहुंचता है। हिस्ट्री सीटर लड़की को यह कहकर ले जाता है कि बाबा उसके बिगड़े हुए काम बना देंगे। यहां कमरे में लड़की के पहुंचते ही महंत ने हिस्ट्री सीटर व अन्य लोगों के साथ मिलकर शराब पार्टी की। इसी दौरान लड़की को भी उन्होंने शराब पिलाने की कोशिश की। लड़की के शराब पीने से मना करने पर हिस्ट्री सीटर अन्य लोगों के साथ कमरे के बाहर निकल आता है, जिसके बाद महंत अकेली इस लड़की की अस्मत को तार तार कर देता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट हमारे खास संवाददाता आरिफ खान के साथ। मैं आरिफ खान, अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा राजनिवास में। रीवा राजनिवास जो अब तक का सबसे सुरक्षित इलाका कहा जाता था, कहा इसलिए जाता था कि अभी दो दिन पूर्व 28 तारीख को इसी रीवा राजनिवास में एक महंत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। यह एक बड़ी ही चौंका देने वाली घटना थी, क्योंकि यह एक ऐसा सुरक्षित इलाका माना जाता है जहां यहां से 10 कदम की दूरी पर आप देख पा रहे हैं कि यहां एसपी, आईजी, कलेक्टर जैसे बड़े अधिकारियों का निवास स्थान है और यहां एक चार की गार्ड हमेशा मौजूद रहती है। बावजूद इसके इस रीवा राजनिवास में एक अपराधी के नाम कमरा बुक किया जाता है। इसके बाद कमरा बुक करने के बाद वहां शराब और शवाब की पार्टी चलती है। इसके बाद एक किशोरी को हवस का शिकार बनाया जाता है। यह वही महंत है जिसे कहा जाता है रामदास, महंत रामदास जी महाराज, जिससे कई वरिष्ठ अधिकारी, कई नेता आशीर्वाद लेते हुए देखे गए हैं, जिनकी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया में फोटोज़ भी वायरल हो रही है। हालांकि इस घटना में एक चौंका देने वाली बात तो यह रही कि जिस किशोरी के साथ ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उसकी रिपोर्ट घटना के 24 घंटे बाद लिखी गई, जब तक सारे आरोपी फरार हो चुके थे। हालांकि इस पूरे मामले में विनोद पांडे नामक अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करने की बात कह रही है। आइए हम अब आपको लेकर चलते हैं उस कमरा नंबर 4 में जहां पास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस कमरा नंबर 4 में जहां पास इस पूरी शर्मसार घटना को अंजाम दिया गया था। आइए देख पा रहे हैं ये सीढ़ी चढ़ के हम जा रहे हैं। यहां पास एक कमरा आप देख पा रहे हैं, ये कमरा नंबर 2 है, इसके बाद ये कमरा नंबर 3 और ये कमरा नंबर 4। कमरा नंबर 4 को घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने लॉक कर दिया है। ये देखिए पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद से सारे आरोपी फरार हैं। एक आरोपी पुलिस के हाथ लगा है, जिससे पूछताछ अभी जारी है। तो यह थी हमारी खास रिपोर्ट। अब आइए सुनते हैं घटना की कहानी पुलिस अधिकारियों की जुबानी। ये सिविल लाइन थाने में हमारे थाना प्रभारी को सूचना मिली, आज की एक बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र की है, उसको कल एक विनोद पांडे नाम का पुराना अपराधी भी है, आरोपी भी रहा है, उसके द्वारा उसको फोन करके बताया गया
कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस बच्ची का कुछ काम था, उस काम के सिलसिले में उसको किसी व्यक्ति ने विनोद पांडे से मिलवाया होगा, संपर्क कराया होगा, तो विनोद पांडे ने उसको फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद बच्ची जब पहुंचती है तो वो बोलता है कि सैनिक स्कूल आ जाओ, आप सैनिक स्कूल तिराहे के पास आ जाओ। बच्ची सैनिक स्कूल तिराहे के पास पहुँचती है, उसके बाद वो किसी अपने एक साथी को भेजता है जो एक गाड़ी से आता है, और वो साथी उस बच्ची को लेके सर्किट हाउस आता है NX-4 में, फ़ोन नंबर में। वहाँ पर विनोद पांडे मिलता है उसको वहाँ, और वो बंदा जो लेके गया था, वो दो बंदे, वो बच्ची वहाँ बैठती है। थोड़ी देर वहाँ वहाँ दो व्यक्ति और आते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है समर्थ उर्फ सीताराम, और दूसरा व्यक्ति उनका एक चेला था धीरेन्द्र। वो सब वहाँ पर बैठते हैं तीनों लोग, और जो बच्ची है उसको भी बिठा के रखते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं, और ये लोग फिर क्या है कि वहाँ शराब का सेवन करते हैं। बच्ची का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करते हैं लोग, वो कुछ मना भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानते नहीं, उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से विनोद पांडे और उसका एक साथी निकल आता है, और जो धीरेन्द्र मिश्रा वो भी चले जाते हैं, और साथ में जो सीताराम है वो समर्थ त्रिपाठी, वो उस बच्ची के साथ कमरे में रह जाते हैं। बच्ची को का कहना है कि जब वो ये तीनों लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है दरवाजा बंद करके उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, और अंदर से फिर उसके बाद वो सीताराम वो कुंडी लगाते हैं और साथ में लाइट बंद करते हैं, और बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है, उसका मुंह दबा लेते हैं, उसको पहले समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसको डरा कर उसके साथ उनके द्वारा ज़बरदस्ती की जाती है। उसके बाद बच्ची के फ़ोन से, घटना होने के बाद बच्ची के फ़ोन से वो सीताराम विनोद पांडे को फ़ोन लगाते हैं कि तुम लोग कहाँ मर गए, बाहर से कुंडी लगी हुई है, वापस आओ। ये लोग वापस जाते हैं, कुंडी खोल के वापस से बच्ची को और समझाने रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। बच्ची बड़ी डरी हुई और इस स्थिति में रहती है। बच्ची के बाद फिर उसके बाद बाबा वो जो सीताराम है उनके द्वारा बोला जाता है कि आप बच्ची को छोड़ा होटल में, तो वही व्यक्ति जो लेके गया था वो छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठा के लेके आता है बाहर तक। उसके बाद बच्ची थोड़ा जिस डर में थी कोशिश करती है कि उसको छोड़ दें यहाँ, तो फिर वो कुछ गाड़ी पलटाने की या वापस ले जाने की बात कहीं कुछ आती है, तो बच्ची गेट खोल के उतर जाती है। उतरती है और उतरने के बाद वो कहता है चलो हो गया करके समझाने की कोशिश करते। उसी के साथ में अचानक ही बच्ची के कुछ परिचित लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो बच्ची उनको आवाज़ देती है, वो आवाज़ देकर उनको बुलाती है और उनसे बातचीत करती है। तो फिर वो कहता है जो गाड़ी में छोड़ने आया था कि चलो बस हो गई बातचीत। तो वो जो उसका साथी था बच्ची का, वो पूछता तुम कौन हो, तो वो डर के कारण फिर वो गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर उसके साथी बच्ची को लेकर पुलिस थाने आते हैं, पुलिस थाने में महिला अधिकारी के साथ फिर उसकी बातचीत कराते हैं। महिला अधिकारी को स्टार्टिंग बच्ची बातचीत नहीं बताती है, और उसके बाद फिर जब उसके पिता आ जाते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले बच्ची ने पूरा का पूरा खुलासा किया थाने में, जिसमें घटना निकल के आई पूरी की पूरी कि उस बच्ची के साथ में जो 18 वर्ष से कम उम्र की है अभी, उसके साथ में उस सर्किट हाउस के रूम में इन एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ रेप किया गया, और बाकी लोगों के द्वारा उसके साथ सहयोग किया गया। तो आपने सुना और देखा और समझा भी कि किस तरह से एक महंत पर रेप जैसे संगीन आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि जिस महंत पर रेप का यह आरोप लगा वह रीवा के समदड़िया मॉल के उद्घाटन पर होने वाली कथा की तैयारियों में आए थे। कथा का प्रवचन आरोपी महंत के गुरु और श्रीराम जन्मभूमि न्यास के पूर्व सदस्य व पूर्व सांसद रामविलास वेदांती करने वाले थे, और इसी की तैयारी के लिए वेदांती महाराज का आरोपी शिष्य सीताराम दास रीवा आया हुआ था। खास बात यह है कि जिस महंत पर रेप जैसा यह संगीन आरोप लगा उनके संबंध रीवा के नामी गिरामी राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हैं। महंत के सोशल साइट पर राजनेताओं सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की तस्वीरें उनके संबंधों को खुद बखुद बयां कर रही हैं। इतना ही नहीं, रीवा पहुंचे महंत ने जिले के SP को भी आशीर्वाद दिया है, जिसके बाद उसे VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। बता दें कि आरोपी महंत का पूरा नाम सीताराम उर्फ समर्थ तिवारी है, जो मूलतः रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के गुड़वा गांव का रहने वाला है। आरोपी महंत ने भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वेदांती महाराज से जुड़कर उनका शिष्य बन गया। बताया जा रहा है कि महंत सीताराम विगत एक माह से रीवा के ही रमा होटल में ठहरा था।
तेज खबर 24 की पड़ताल के दौरान सामने आया कि रमा होटल में ही महंत से मिलने एक महिला पहुंची थी, जहां होटल मैनेजर ने महिला के साथ रूम देने से मना कर दिया और महंत इस बात से नाराज होकर होटल छोड़कर चले गए। तो आइए सुनते हैं रमा होटल के मैनेजर की जुबानी। आप होटल संचालक हैं, कौन सा होटल है? रामा पैलेस। ये रामा पैलेस में एक महंत आप यहाँ रुके हुए थे, कई बार रुक चुके हैं, शायद महीनों से रुके हुए थे। जी बिल्कुल। कौन थे और ये कब आते थे, कब जाते थे? इनका कुछ ज्यादा पता नहीं था, आने का ठिकाना नहीं था। कभी आते थे, दो चार दिन रुके, पांच दिन रुके, फिर चेकआउट कर गए, फिर दो चार दिन रुके, पांच दिन रुके, फिर चेकआउट कर गए। काफी समय से ये चला, 15-20 दिन हो गए। उसके बाद होली के दो चार दिन पहले इन्होंने पूरी तरह से चेकआउट कर दिया। यहाँ इनको लेके कौन आया था आपके पास? इनके कोई परिजन आए थे पूछने के लिए कि होटल में रूम मिल जाएगा, खाली है, रूम क्या है। हम लोगों ने बोला हाँ, एज अ नॉर्मल गेस्ट समझ के मिल जाएगा। फिर इन्होंने डायरेक्ट हमारे यहाँ चेक इन कर लिया आकर। अच्छा, इस दौरान उनके पास एक बार शायद आपके साथ कुछ बातचीत हुई थी, कुछ महिलाएं भी आई थी। महिलाओं के लिए इनका कहना था कि एक रूम हमको खुलवा दीजिए। इनका रूम लगा नहीं था, चेकआउट कर चुके थे पूरी तरीके से ये। फिर ये वापस आए अपनी गाड़ी चला के, खुद स्विफ्ट गाड़ी थी इनके पास सफ़ेद कलर की, जो चला के इन्होंने पार्किंग में खड़ी की। फिर ऊपर गए तीसरे नंबर पर, बाहर बैठे हुए थे लॉबी पे। हमारे हर फ्लोर में लॉबी बनी हुई है, लॉबी में बैठे थे वो। एक महिला आई थी उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक रूम खुलवाओ, हमारा चेक इन कर दो फिर से, हमको महिला के साथ बैठना है यहाँ पे अंदर, कुछ बातचीत करनी है, हमारा प्राइवेट टॉक है। हम लोगों ने बोला सर आपको जो भी बात करनी है, हमारे पास रेस्टोरेंट है खुला हुआ एरिया, हमारा स्टाफ रहेगा सामने, रिसेप्शन है हमारे पास बैठा हुआ, लॉबी बनी हुई है हर फ्लोर पे, आपको जहाँ बैठना है वहाँ बैठ के आप कर लीजिए बातें जो करनी है। उन्होंने कहा नहीं हमको रूम चाहिए, तो हमने सख्त मना कर दिया कि हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है रूम देना, हमारा फैमिली होटल है, हम लोग रूम नहीं दे सकते हैं आपको, चाहे आप आईडी दें चाहे ना दें, तो हम आपको रूम नहीं दे पाएंगे। जिस कारणवश वो हम लोगों से गुस्सा होकर निकलने वाला। उसके बाद रूम जी उन्होंने बोला कि हमको आपके आना ही नहीं है, रूम भी नहीं आना है, ना हम बैठेंगे आपके ना कुछ। तो यह थी महंत के होटल में ठहरने की कहानी। बता दें कि रीवा के रहने वाले इस महंत के रीवा के ही नामे गिरामे हिस्ट्री सीटर बदमाश विनोद पांडे सहित कई नामी गिरामी और आपराधिक किस्म के लोगों से अच्छा खासा याराना भी था। महंत के लिए घटना दिनांक को 36 अपराधों के हिस्ट्री सीटर विनोद पांडे के नाम सर्किट हाउस में कमरा बुक किया गया था। विनोद पांडे ने ही महंत के कहने पर लड़की का बंदोबस्त किया और लड़की को सतना से रीवा यह कहकर लाया गया कि उसके बिगड़े काम बाबा बना देंगे। आरोपी ने कहा कि तुम बाबा को खुश कर दो, तुम्हारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। पीड़ित नाबालिग लड़की ने पुलिस को अपने दिए गए बयान में बताया है कि आरोपी कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे और उसे भी शराब पिलाना चाहते थे। उसके मना करने पर विनोद और उसका दूसरा साथी बाहर से रूम बंद कर वापस बाहर निकल आए, जिसके बाद महंत ने जबरन गलत करने के बाद अपने चेलों से उसे छोड़ने को कहा, जिस दौरान हिस्ट्री सीटर ने लड़की को डराया और धमकाया भी। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने लड़की से बयान दर्ज कर लिए हैं। लड़की ने 29 मार्च की शाम रीवा शहर के सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में कुल 4 आरोपी बनाए हैं, जिनमें पहला आरोपी महंत सीताराम उर्फ समर्थ त्रिपाठी और दूसरा विनोद पांडे है, जबकि 2 आरोपी अज्ञात है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महंत सहित अन्य आरोपी फरार है। गौरतलब है कि रीवा के हिस्ट्री सीटर विनोद पांडे पर हत्या, डबल मर्डर, हत्या के प्रयास, लूट, रेप और राहजनी डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे 36 अपराध रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े अपराधी के नाम आखिरकार सर्किट हाउस का कमरा कैसे और किसने बुक कर दिया। इसके अलावा वारदात के मुख्य आरोपी महंत पर भी हत्या का संगीन आरोप होने की बात सामने आ रही है, जिस पर उन्हें फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सर्किट हाउस में हिस्ट्री सीटर अपराधी के नाम कमरा कैसे और किसने बुक किया। इसके अलावा महंत के आपराधिक रिकॉर्ड व उसका बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है। तो यह थी रीवा से बेहद ही शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली खबर, जहां दुनिया के सामने महंत का चोला ओढ़ने वाले महंत ने चार दीवारी के अंदर रासलीला रचाते हुए एक लड़की की असमत को तार तार कर दिया है। बहरहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने जांच में लिया है और फरार महंत की तलाश की जा रही है। लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए तेज खबर 24।